Plants and animals food. Food for plants. Plants are self-sufficient. Plants are the only living things on the earth that can make their own food through the process of photosynthesis. कह रहे हैं कि प्लांट जो है सेल्फ सफिशियंट मतलब खुद पे निर्भर होते हैं और वो इकलौते लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा. सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स. इसीलिए इनको या तो प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड सनलाइट. प्लांट्स इन सब की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं. जैसे इसमें दिखा रहा है एक पौधा दिखाया जो जिसको सनलाइट मिल रही है सन से, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रही है, वाटर मिल रहा है जड़ों से स्टेम के थ्रू इसको जगह जगह वाटर पहुंच रहा है और इन सब की उपस्थिति में ये भोजन बनाते हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट सक आर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. कह रहे हैं रूट्स जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो मिट्टी से में उनकी जड़ें होती हैं उनसे. द स्टेम कैरीज दिस वाटर टू द लीव्स. और स्टेम जो इन पानी को पत्तियों तक पहुंचाती हैं. द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा. और जो इसमें लीव्स में छोटे छोटे होल होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं, जिनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स. और सनलाइट को जो है क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है, जो लीव्स जो हर पत्तियों का हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है. ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच वाटर कम्बाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड शुगर. फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो उसमें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन होता है और ऑक्सीजन और शुगर बनती है. पत्ते दिखाएं, देखो पत्ते में होल होते हैं छोटे छोटे, इनमें इनको स्टोमाटा कहते हैं. इनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं. हर जो ग्रीन कलर है इनका, ग्रीन पिगमेंट, इनको ये क्लोरोफिल के कारण होता है. और जो प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है वो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पत्तियों में ही होती है. ठीक है, तो डू यू नो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इक्वेशन बता रहे हैं कि वाटर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड किस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलते हैं तो शुगर और ऑक्सीजन बनती है. ऑक्सीजन तो हम सांस लेने के लिए यूज़ ही करते हैं. शुगर प्रोड्यूस बाय द प्लांट इज़ यूज फॉर इट्स ग्रोथ. जो शुगर प्रोड्यूस होती है वो प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, अपने जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा शुगर बच जाती है वो स्टोर जाती है एज ए स्टार्च इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट विच ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट एज फूड. तो जो हम पौधों को खाते हैं ना, जिनमें जो फल हो गए या वैसे पत्तियां खा लेते हैं, तो वो इसलिए होते हैं वो स्टार्च उनमें पौधे एकत्र करते हैं, वही हमको फूड के रूप में मिलता है. अब नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम डू नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. मैंने आपको बताया था कि बिना सब चीज़ों की उपस्थिति के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, तो ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस नहीं होगी. तो देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो वो जो भी मरे हुए पौधे जानवर इन पे उगते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं. कॉर्निवायरस आर इंसेक्टिवायरस प्लांट. अब कॉर्निवायरस आर इंसेक्टिवायरस, नाम ही बता रहा है कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स हैं. तो ऐसे प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे पिचर प्लांट, संड्यू प्लांट एंड वीनस फ्लाइट. दे डू सो बिकॉज दे ग्रो इन द सॉइल विच डिफिशियंट इन नाइट्रोजन. और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है. टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे कैप्चर इंसेक्ट्स. और इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो कैप्चर करते हैं इंसेक्ट्स को. डिड यू नो डोडलर इज ए पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं. दैट टर्न्स अराउंड द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट्स. तो वो दूसरे प्लांट के स्टेम के अराउंड टर्न हो जाते हैं, मतलब उससे चिपक जाते हैं. एंड सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट. और उसी पौधों से अपना पानी और जो भी खाने का मिनरल्स होता है वो उससे ही लेते हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ लॉन्ग पॉइंटेड हेयर ऑन इट्स लीव दैट आर सेंसिटिव टू टच. जैसे हम दिखा रखा है कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप है जिसके ये पौधा जिसकी लंबी लंबी ऐसे हेयर जैसे पत्तियों में हेयर जैसे निकले हैं, ये टच सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनको छूते ही ये बंद हो जाते हैं. तो एज एन इंसेक्ट सिट्स ऑन लीव, जैसे कोई भी इंसेक्ट इन पर बैठता है द लीव स्नैप शट, लीव तुरंत बंद हो जाती है एंड इंसेक्ट गेट डाइजेस्टेड. और इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है.
पिचर प्लांट, पिचर प्लांट्स होते हैं, हैव लीव्स इन द शेप ऑफ ए पिचर, पिचर मीन्स होता है घड़ा। तो विच इज पार्शली फिल्ड विथ डाइजेस्टिव जूस, ये पिचर हैं, पिचर प्लांट, इन ये जो है डाइजेस्टिव जूस से भरे होते हैं। एज एन द इंसेक्ट सेट्स ऑन द पिचर, जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ बैठता है, इट लिड्स गेट क्लोज, इन पे ऐसे ढक्कन से लगा होता है, वो ढक्कन से बंद हो जाता है, उनकी लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उस फ्लूड में डूब जाता है एंड गेट डाइजेस्टेड, और डाइजेस्ट हो जाता है। अब सनड्यू प्लांट्स, तो सेम सनड्यू प्लांट्स कैन ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। तो सनड्यू प्लांट्स भी अपने जो ट्रैप करता है इंसेक्ट्स, वो डाइजेस्ट करता है आगे जो है न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए। फूड फॉर एनिमल्स, अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी पौधे तो अपना खाना खुद बना लेते हैं पर जानवर तो ऐसा नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड, तो वो या तो पौधों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉप्स, और इसलिए इंसानों या जानवरों को क्या बोलते हैं, या तो कंज्यूमर्स कहते हैं या हेटरोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये हेटरोट्रॉप्स हैं। हर्बीवरस एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवरस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स ए काउज, गोट्स, बफेलोज, डियर, जिराफार्स। कह रहे हर्बीवरस जो खाली सिर्फ हर्ब खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवरस, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, जैसे काउज, डियर है ना। फिर कॉर्निवरस, कॉर्निवरस एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश या मीट खाते हैं उनको बोलते हैं कॉर्निवरस। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स के कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, वोल्फ एक्सेट्रा। ओमनिवरस, ओमनिवरस एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कॉल्ड ओमनिवरस, जैसे लाइक क्रो, बियर, काक्रोच एंड ह्यूमंस। तो कह रहे ये जो ओमनिवरस हैं, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उनको ओमनिवरस कहते हैं, जैसे क्रो हो गया, बियर, काक्रोच एंड ह्यूमंस। फिर स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स होते हैं एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, तो ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं या मांस खाते हैं मरे हुए जानवरों का, उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। दे हेल्प टू कीप दैट एनवायरनमेंट क्लीन, और ये वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। हाइनाज एंड वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स आर इको फ्रेंडली, तो ये हाइना है, ये वल्चर्स हैं, इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स, और ये इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली इसलिए क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। अब है डू यू नो मॉस्किटो, लीचेज एंड कॉकरोच आर पैरासाइट्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड, तो कह रहे हैं मॉस्किटो, लीच, कॉकरोच ये सब दूसरे जानवरों को, इंसानों का, जानवरों का खून पीते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट्स होते हैं। जैसे पैरासाइट पौधे बताया था कि जो जीने के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करते हैं, वैसे ये पैरासाइट एनिमल्स हैं। अब फूड चेन, ये फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड, फूड चेन बताती है कि लिविंग थिंग अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। आर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, तो हर लिविंग थिंग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन फॉर्म ए फूड चेन इन नेचर, देयर इज ए फ्लो एनर्जी इन ए फूड चेन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज टू अनदर, जैसे यहाँ दिखाया गया है ये घास है, घास को गोट, डियर ये सब खाते हैं, इनको टाइगर खाते हैं, तो ये एक लाइफ साइकिल है इनकी। तो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन्स, इन्होंने फूड चेन्स के कुछ एग्जांपल दिखाए हैं, जैसे एक्वेटिक चेन दिखाई है इन्होंने। एक्वेटिक चेन में ये घास खा रहा है, इसको छोटी मछली खा रही है, छोटी मछली को वेल खा रही है, इसी प्रकार ये है ग्रास को ग्रासोफर ने खाया, ग्रासोफर के फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नैक ने, स्नैक को वल्चर ने, तो ये फूड चेन है। आल फूड चेन बिगिन विथ प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, कह रहे हैं सारे फूड चेन बिगिन किससे होते हैं, प्रोड्यूसर से। फिर फूड वेब, ए फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स इन ए सिंगल इकोसिस्टम, मेनी फूड चेन आर इंटरलिंक टू फॉर्म ए फूड वेब, कह रहे हैं फूड वेब में बहुत सारे, अभी आपको मैंने फूड चेन बताई और फूड वेब में कई सारी फूड चेन होती हैं, मेनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू फॉर्म ए फूड वेब, और बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में इंटरलिंक होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कंज्यूमर्स डू नॉट रियली ऑन जस्ट वन टाइप ऑफ फूड,
क्या कभी भी कंज्यूमर जरूरी नहीं कि एक ही तरह के फूड पर डिपेंड करे, दे कैन ईट वेराइटी ऑफ फूड्स, वन टाइप फूड कैन बी ईटन बाई ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड वेब। जैसे कि ये फूड वेब आपको दिखाया गया है, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है, फूड वेब आ गया, फूड वेब है प्राइमरी तो यही होगा, इसको ग्रासोफर भी खा रहा है, इसको डियर भी खा रही है, इसको ये स्क्वेरल भी खा रही है। अब इस स्क्वेरल भी खा रही है, नट्स हैं स्क्वेयर स्क्वेरल खा रही है, ये भी घास हैं इसको भी डियर खा रहा है, अब ये इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, ये भी खा रही है, ये नट्स खा रही हैं, ठीक है। अब चिड़िया भी नट्स खा, चिड़िया ग्रासोफर को भी खाती है, ये भी खाता है, ये वल्चर, वल्चर इसको भी खा रहा है, ठीक है, वल्चर ट्रैप इसको खा रहा है, ठीक है, स्क्वायरल हो गई, ये भी स्क्वायरल को खा रहा है, इसको भी मिल गई तो ये भी स्क्वायरल को नहीं छोड़ रहा है, ये इसको खा रहा है, ये मंकी हो गया है, जो भी है मंकी हो गया, इसको ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है और ये भी खा रहा है। तो कह रहे हैं एक फूड वेब है, यानी कि सब तरह तरह के जानवरों पर डिपेंड करते हैं। लेट्स समराइज, प्लांट्स मेक फूड इन दियर ग्रीन लीव्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। ठीक है, तो आपको ये सब मैंने पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट में हम अगले चैप्टर में, अगले पीरियड में इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।